छत्तीसगढ़ के बीजापुर से इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है, जहां नक्सलियों ने यात्री बस में आग लगा दी है। आवापल्ली से ये बस रायपुर जा रही थी और नक्सलियों ने इस बस को आग लगाकर आग के हवाले कर दिया। नक्सलियों ने यात्रियों को उतार कर ये आग लगाई और नुकसान पहुंचाया। यात्री बस को आग लगाकर नुकसान पहुंचाया है नक्सलियों ने। आपको बता दें, ये बस आवापल्ली से राजधानी रायपुर की तरफ जा रही थी और इसी दौरान सभी यात्रियों को नक्सलियों ने बस से नीचे उतारकर उस बस में आग लगा दी। कल नक्सलियों ने भारत बंद भी बुलाया है और लगातार नक्सली जिस तरह से वारदात को घटना को अंजाम दे रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं, जाहिर है सुरक्षा बलों की लगातार इसमें कोशिश है किसी भी तरह नक्सलियों को यह नुकसान करने से रोका जाए। लेकिन दूसरी तरफ नक्सली है जो लगातार अपने इलाके के आसपास नुकसान पहुंचा रहे हैं। इससे पहले उन्होंने 3 गाड़ियों को भी आग के हवाले किया था जो निर्माण कार्य में लगी थी। और अब खबर मिल रही है कि जो बस आवापल्ली से राजधानी की तरफ आ रही थी, उस बस में सवार सभी यात्रियों को पहले नक्सलियों ने नीचे उतरवाया और फिर उस बस में आग लगा दी। छत्तीसगढ़ से ये बड़ी खबर मिल रही है बीजापुर से, जहां आवापल्ली से आ रही बस को आग के हवाले कर दिया नक्सलियों ने, नुकसान पहुंचाया है। लगातार नक्सली जमकर उत्पात मचा रहे हैं। इससे पहले भी नक्सलियों ने 3 वाहनों में आगजनी की थी, वारदात को अंजाम दिया था और अब सूचना मिल रही है कि नक्सलियों ने एक बार फिर यात्री बस को निशाना बनाया है और बस को आग लगा दी है। बस में आग लगाकर एक बार फिर नुकसान पहुंचाया है। चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे संवाददाता मुकेश चंद्राकर बीजापुर से जुड़ गए हैं। मुकेश, हम देख रहे हैं भारत बंद से पहले नक्सली जिस तरह से लगातार उत्पात मचा रहे हैं, इससे पहले भी उन्होंने कुछ गाड़ियों को आग के हवाले किया था, अभी ये जो यात्री बस को आग लगाई है नक्सलियों ने, इस पर क्या है अपडेट और यात्रियों की अभी कैसी है स्थिति? मुकेश, सुन पा रहे हैं आप? चलिए, लगता है हमारा संपर्क नहीं हो रहा है, एक बार फिर कोशिश करेंगे उनसे जुड़ने की, संपर्क साधने की। लेकिन फिलहाल अभी यही सूचना मिल रही है, कुछ देर पहले ही नक्सलियों ने इस यात्री बस को निशाना बनाया, आग लगाई और इससे पहले भी नक्सलियों ने भारत बंद से पहले जमकर उत्पात मचाते हुए 3 गाड़ियों को आग के हवाले किया था। बता दें आपको, नक्सलियों ने कल भारत बंद बुलाया है और इसी कड़ी में नक्सली भारत बंद से पहले अपनी कायराना करतूत से लगातार नुकसान पहुंचा रहे हैं। हालांकि यात्रियों को लेकर अभी जरूर अपडेट नहीं है। यात्री उस बस में सवार थे जो आवापल्ली से राजधानी रायपुर की तरफ बस में सवार होकर आ रहे थे।